तो इन चीज़ों का भी ताल्लुक ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें शामिल है। फिर सब मेमोरी ऑफ लास्ट, कभी कभार हम मेमोरी को लास्ट कर जाते हैं और हमें ये पता नहीं होता है। जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले लोग होते हैं उनको आमतौर पर पता नहीं होता है कि हमने कब खाया, तो इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कब खाया, वो भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म उनकी मेमोरी लास्ट हो जाती है। तो इस वजह से भी फिर उसके बाद हमने बात की ये जो कंडीशन एबनॉर्मिलिटी है तो ओबेसिटी आ जाती है, इसके रिजल्ट में बंदा जो है मोटापे का शिकार हो जाता है। तो टुडे आवर क्लास वाज अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ द मोटिवेशन। मोटिवेशन और इमोशन चूँकि दोनों सेम थिंग है, इमोशन और मोटिवेशन दोनों के लिए लाजम और मलजूम है एक दूसरे पे उनकी इफेक्ट भी, तो उनके करेक्टरस पर्सपेक्टिव के ऊपर बात की, जिस पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजिस्ट जो है उनको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जिस पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजिस्ट उनकी डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज की क्लास थी, उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।